नहीं चाहता, उसने उसने मुझे ये कॉपी भेज दी, इसीलिए लास्ट टाइम तो मैंने सबमिशन किया था कि उसने हमें ये कॉपी भेज दी, पर ये इस भारत में मान्य नहीं है ना। अरे मुझे शादी करना सर, ये 29 साल की लड़की है अभी और यंग लड़की है, इसके इसके रिश्ते आ रहे हैं अभी। हर व्यक्ति ये कहता है कि इनकी इंडिया में शादी हुई थी तो हमें इंडिया की डिग्री चाहिए, उसके बिना सर उसका पूरी लाइफ स्पॉइल हो रही है। 2019 में इनकी शादी हुई थी, तो यही अपने आप में सर सबसे बड़ी क्रूरल्टी है। तो मीडिएशन का तो सवाल ही नहीं उठता सर, उसने वहां पर बिल्कुल मत हो, आपका कहना ऐसा हो सकता है, लाप यही कहता है ना। डायरेक्टली टू फाइल एफिडेविट अलोंग विद द डॉक्यूमेंट्स। सर ये डाइवोर्स डिग्री मेरी डिसमिस हुई है, उसके अगेंस्ट आए हैं सर हम अपील, और वहां पर पूरा एक्स पार्टी चला है सर ये केस, डिस्पाइट सर्विस, नोटिस की सर्विस भी हो गई थी उसको, उसके बाद भी एक्स पार्टी चला। सर इसमें सरप्राइजिंगली क्या हुआ है, वो यहाँ पर कभी भी नहीं आया सर, जो इसका रेस्पॉन्डेंट हस्बैंड है एकदम उस। डाइवर्स फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मुराद नेपाल, जी सर, अपेलेंट हैज बीन प्रोवाइडेड डिक्री ऑफ डाइवोर्स एंड रेस्पॉन्डेंट इज नॉट विलिंग टू कम टू इंडिया। जी सर, लेट डॉक्यूमेंट विद रिगार्ड टू द अपोजिट अलॉन्ग विद एफिडेविट बी फाइल बाय द नेक्स्ट डेट। फाइल कर दिया सर, फाइल कर दैट इज दिया, फाइल्ड, आई विल फाइल इट ऑन 5/1/23। नोटिस सर्व नहीं हो रहा है पर। सर वो नोटिस का तो आप सर क्वेश्चन इसलिए नहीं रह जाएगा, मैंने उसके लिए एक आईए भी मेरी फाइल की है फॉर डिस्पेंसिंग विद दी नोटिस, क्योंकि सर ट्रायल कोर्ट में भी आप देखेंगे सर स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, दो दो बार उनको नोटिस सर्विस हो गई थी, मेरे ईमेल से भी हो गई थी, पहली लाइन में लिखा है सर, इम्प्यूम ऑर्डर है सर मेरा पेज नंबर 17 मेरे कंपाइलेशन के। ना ट्रायल कोर्ट में जी सर ट्रायल कोर्ट में पूरा एक्स पार्टी रहा है डिस्पाइट सर्विस। ये हिंदू मैरिज के मामले जो होते हैं इसका अलग होता है, यहाँ सबसे पहले मेडिएशन का वो किया जाता है, इसलिए उसकी सर्विस जरूरी होती है। पर सर नीचे सर्विस होने के बाद भी नहीं आए ना हाँ सर। मतलब यहाँ यहाँ भी ट्राई किया जाएगा उसको, अगर सर्विस हो जाता है तो मेडिएशन के लिए। सर वो आना ही नहीं चाहता, उसने मुझे ये कॉपी भेज दी, इसीलिए लास्ट टाइम तो मैंने सबमिशन किया था कि उसने हमें ये कॉपी भेज दी, पर ये इस भारत में मान्य नहीं है ना। अरे मुझे शादी करना सर, ये 29 साल की लड़की है अभी और यंग लड़की है, इसके इसके रिश्ते आ रहे हैं अभी। हर व्यक्ति ये कहता है कि इनकी इंडिया में शादी हुई थी तो हमें इंडिया की डिग्री चाहिए, उसके बिना सर उसका पूरी लाइफ स्पॉइल हो रही है। 2019 में इनकी शादी हुई थी, तो यही अपने आप में सर सबसे बड़ी क्रूरल्टी है। तो मीडिएशन का तो सवाल ही नहीं उठता सर, उसने वहां पर नहीं मत हो, आपका कहना ऐसा हो सकता है, लाप यही कहता है ना, बैठ सर, नीचे सर्विस हुई थी सर, मामले में इसलिए आप मैंने आइए लगाई है सर, मैंने इसीलिए आइए लगाई है, आइए ये काहे क्या है, आइए कैसे फॉर डिस्पेंसिंग विद, करेंगे, क्योंकि सर नीचे तो नीचे सर्विस हुई थी ना। वो नीचे होने दीजिए, वही अन्य मामलों की अपेक्षा जो मैरिज वाले मामले होते हैं उसको अलग दृष्टि देखा जाता है। सर बट अब उस व्यक्ति ने वहां पर तलाक ले लिया है और अब वो चीज ये भारत में तो मान, नोटिस सर सर्व होना जरूरी है ना, अदरवाइज ही विल कम एंड आस्क फॉर सेटिंग असाइड हमने ऑफ उसी योर एफर्ट, एफ। इसीलिए हमने खुद ने पर्सनल एफर्ट किए थे कि उसको नोटिस सर्व हो जाए, वो सिर्फ आ जाए, वो आने को तैयार ही नहीं है सर। हमने नहीं उन्होंने आवे मत, तो नोटिस सर्व हो जाए ना, नोटिस सर्व हो जाए, आवे मत तो। और क्या ऑप्शन है उसको, नहीं, नेपाल चला गया, नेपाल में ही रहते हैं सर, ही इज परमानेंट रेसिडेंट ऑफ नहीं तो नेपाल, और नोटिस लास्ट फैमिली के प्रावधान है ना जो विदेश में उनके लिए भी है। सर वो तो किया हुआ हमने, प्रोसेस की हुई है सर, वो प्रोसेस की हुई है सर हमने लास्ट डेट पर ही, और जो ऑनरेबल कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि जिस प्रक्रिया से नीचे की कोर्ट ने सर्विस कराई थी वही प्रक्रिया यहाँ भी अपनाई जाए, तो उसके लिए हमने भत्ता उसी तरह से भरा था और ईमेल का भी था सर। सर कहाँ था ऐसा ऑर्डर, कहाँ है तो सबसे पहली डेट पे ऑर्डर है सर, कॉल्ड मे डेट बी कॉल्ड नोटिस का जो ऑर्डर है सर वो बाय सेम फर्स्ट डेट ही ऑर्डर द सर। वे ऑफ सेम मोड एज जी अडॉप्टेड सर, ट्राइबल नोटिस इशूड। तो वो मिनिस्ट्री के थ्रू था, वो मिनिस्ट्री सर वो तो ऑनरेबल कोर्ट से ही जाता है नोटिस, तो कुछ भी हम जो लड़की के पिता हैं उन्होंने अपने पर्सनल रिकॉर्ड कर लिए कि वो एटलीस्ट सर्विस हो जाए, वो क्योंकि तो हमारे केस की सुनवाई हो चुकी है, ये मैं भी मानता हूँ सर की सर्विस जरूरी है सर, इफ अ पर्सन इज नॉट विलिंग टू कम बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट और एनीबडी, तो उस परिस्थिति में तो सर इसको सुना जा अरे सकता है। इसका क्या हुआ फिर, 20/7/22 के ऑर्डर का क्या हुआ, वो तो सर हमने भत्ता भर दिया था, हमने भत्ता उसी हिसाब से भर ये दिया था सर, ऐसा वो रिटर्न सर रिटर्न रिटर्न नहीं नहीं हुआ हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ आया लैंड, नहीं सर, हमने पता नहीं कहा मिनिस्ट्री में अटका है, कहाँ अटका है, कॉल लिस्ट में भी एक नॉट रिटर्न। वन कॉपी ऑफ द नोटिस, इसकी रिपोर्ट मंगा लेते मिनिस्ट्री ऑफ लॉ से, बिकॉज तो स्पेसिफिक ऑर्डर हो जाए तो वो, क्योंकि मेरे को मेरी टेक्निकल प्रॉब्लम यही है कि 8 महीने तो अपन भी मेल से कर है देते, वो बहुत है, मैं भी मेल से कर देता हूँ सर, कोई भी शॉर्टेज डेट दे दे, कोई ना, भी शॉर्ट डेट दे दे, क्योंकि नोटिस तो बहुत पहले से गया हुआ है, वो मिनिस्ट्री में कहाँ अटका है।
हाँ तो एक रिपोर्ट तो आ जाए क्या हुआ उसका, ठीक है सर। उसके बाद देन वी कैन प्रोसीड विद द मैटर। एनी शॉर्ट पिक डेट होगी इसमें लिखे इन कंप्लायंस ऑफ द ऑर्डर डेटेड सर, एक वो भी कर दे कि मैं भी मेल से कर देता हूँ उसका भी, फिर मैं स्क्रीनशॉट जो भी रहेगा और एफिडेविट फाइल कर ईमेल से। आई एम हैविंग एन ईमेल आल्सो, उनका ईमेल है रिस्पॉन्डिंग सर। हाँ ट्रायल कोर्ट में भी ईमेल से सर्विस हुआ था, वो आया है। ईमेल से अगर हुआ है आपका तो मोड तो वही अपनाया जाएगा, जी सर 20-7 वो कर दूंगा सर, जी सर। तो ऑफिशियल नहीं होता है क्या, ईमेल से ऑफिशियल नहीं होता है? सर वो ऑफिस वाले भी कर सकते हैं सर, चाहे ऑफिशियल हुआ ज्यादा अच्छा है। ऑनरेबल कोर्ट ऑर्डर कर देगी तो ऑफिस कर देगा सर, वो ज्यादा बेटर रहेगा। सीपीसी में कोई अमेंड हुआ है कि नहीं इसके बारे में? मेल से माना तो ऐसा सीपीसी में अमेंड हुआ था, उसमें कुछ है कि नहीं रिपोर्ट में सर, उसमें इसके फादर के एफिडेविट भी लगा दिया। उसको छोड़िए ना, सीपीसी में कोई प्रावधान अभी किया है क्या? फॉर दैट आई एम नॉट इंस्ट्रक्शन, पहले पाना चाहिए ना, देखना। आई गो थ्रू विद दैट, आई गो थ्रू विद दैट। पर सर वो अपनी रजिस्ट्री से ही ऑर्डर हो जाएगा कि यहीं से मेल से उसको जाए, तो वो दैट इज प्रावधान होना चाहिए सीपीसी में, तब तो ऑर्डर होगा। नहीं सीपीसी में है सर, शुड बी डिवाइस देयर ओन मेथड्स लाइक दिस। तो उसको अडॉप्ट कीजिए, देख लो पहले, फिर नेक्स्ट ईयर रखते हैं। तो व्हाट कैन बी द करेक्ट मोड ऑफ सर्विस सर, इसको एक काम करें नेक्स्ट वीक ही डेट दे दें आप, मीन वाइल मैं भी एग्जामिन कर लेता हूँ सर्विस के लिए भी सर, थोड़ा सा डायरेक्शन हो जाए कोर्ट का कि जो अभी तक की जो था मेरा ना। नहीं सर जी, देख के कर देंगे जी प्रॉपरली, नहीं होना चाहिए नेक्स्ट वीक।